अगर आप फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो ना, चांसेस है आपने एक ही फील्ड का नाम सुना होगा, विच इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। बट एक्चुअली में फाइनेंस में बहुत कुछ होता है। दिस कॉर्पोरेट फाइनेंस, कमर्शियल बैंकिंग, रिस्क एनालिसिस, प्राइवेट इक्विटी, इक्विटी रिसर्च, वेल्थ मैनेजमेंट। चाहो तो मैं ये लिस्ट कंटिन्यू करती रह सकती हूँ, और चाहो तो आप नोट भी कर सकते हो। लेकिन इन सारी फील्ड्स के लिए एक साथ प्रिपेयर कैसे करोगे? हाई एवरी वन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम उन टॉप फाइनेंस स्किल्स की बात करने वाले हैं जो इन सारे के सारे जॉब रोल्स में एप्लीकेबल है। हर रोल का जो रिक्वायरमेंट है स्किल सेट का, वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो एवरी सिंगल फाइनेंस कंपनी वुड रिक्वायर। इस लिस्ट में नंबर वन पे आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। फाइनेंस की फील्ड में मोस्टली हम या तो बाइंग डिसीजंस लेते हैं या सेलिंग डिसीजंस लेते हैं, एंड इन मोस्ट केसेस हम जब वो डिसीजंस लेते हैं, हम करंटली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। अब आप में से जो लोग अकाउंटिंग की फील्ड से आते हैं, दे वुड नो कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए वी नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो टू थिंग्स, हाउ टू रीड देम एंड हाउ टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम देम। अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी नहीं आती, दैट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि आप अकाउंट्स का पार्ट नहीं हो, लेकिन क्योंकि आप फाइनेंस का पार्ट हो, यू शुड नो हाउ टू रीड देम एंड हाउ टू ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम देम। अब ये स्किल कैसे सीखा जा सकता है, इसके मैं आपको दो सोर्सेज रिकमेंड करती हूँ। नंबर वन है कुछ ऐसी फ्री यूट्यूब वीडियोज जहां पर डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई जाती हैं। नंबर टू रिसोर्स है हाउ फाइनेंस वर्क्स, ये एक बुक है बाय मिहिर देसाई। ये बुक उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी रखते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है, आई वुड रिकमेंड पहले यूट्यूब वीडियो से स्टार्ट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन लोगों को थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, दे कैन गो फॉर दिस बुक बिकॉज इट टॉक्स इन डेप्थ अबाउट हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। स्किल नंबर टू एंड एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज दैट ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग। आप किसी भी कंपनी की करंट परफॉर्मेंस तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इवैल्यूएट कर सकते हो, लेकिन एक कंपनी उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे और बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, उसको फोरकास्ट करना इज व्हाट अ फाइनेंशियल मॉडल हेल्प्स यू विद। फाइनेंशियल मॉडल बेसिकली एक्सेल में बनाया एक टूल है जो आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा कि आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे या नहीं, या उस कंपनी की फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी होगी, उसके बेसिस पे उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। देर आर लॉट्स ऑफ काइंड ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स, जैसे थ्री स्टेटमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मॉडल या डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल। अब ये सब नाम पता होने जरूरी नहीं है, पता ये होना जरूरी है कि एक फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनाया जाता है। आप चाहो तो उसके लिए फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हो, बट ये इतना इंपॉर्टेंट स्किल है कि आपके सीवी में हर फाइनेंस कंपनी ये वर्ड जरूर ढूंढ रही होगी कि क्या आप एक फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हो, विच इज वाई आई वुड रिकमेंड यू कि आप इसमें अगर सर्टिफिकेशन ले पाओ, देयर इज नथिंग लाइक इट। फॉर दैट आई हैव कोलैबोरेटेड विद एंड वुड रिकमेंड यू टू चेक आउट द सर्टिफिकेशंस बाय फाइनेंशियल मॉडलिंग इंस्टीट्यूट, FMI ही क्यों, क्योंकि जो इनका एलुमनाई बेस है, दैट इज एक्रेडिटेड एंड दे आर वर्किंग इन कंपनीज लाइक PwC, KPMG, गोल्डमैन सैक्स, सो मेनी अदर्स। FMI की वेबसाइट पे जब आप जाओगे, यू वुड सी देर आर 4 सर्टिफिकेशंस इन टोटल, लेकिन इनमें से जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी कोर्स है कॉल्ड FMI Foundations, आपके लिए सिर्फ उतना ही रेलेवेंट होगा। ये प्रोग्राम आपको एक फाइनेंशियल मॉडल बनाना सिखाता है, इट ऑल्सो टेल्स यू कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड करते हो, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था, एंड ऑल्सो की अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं। सो अगर आप इन तीनों फील्ड्स में से किसी में भी जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी और एसेट मैनेजमेंट, दिस इज अ मस्ट हैव स्किल। क्योंकि ये फाइनेंस की फील्ड में यूज होने वाला इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टूल है, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको जरूर सीखो, स्टडी करो, एंड यू कैन ऑल्सो परस्यू अ सर्टिफिकेशन बाय FMI टू टेक योर करियर टू द नेक्स्ट लेवल। मैंने उनके साथ पार्टनर किया है ताकि वो FMI फाउंडेशन कोर्स आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दे पाए। यू कैन चेक आउट the details in the description as well as in the pinned comment. The third skill is that of industry analysis or business analysis. Agar aap finance ki field mein kaam kar rahe ho, industry ke saath to aapko up to date rehna hi padega. You need to know ki har single industry kisi bhi news ke karan kaise affect hoti hai. Similarly, how do the stocks move? अगर कोई भी न्यूज अपडेट आ जाता है, इसी तरह हर बिजनेस एम्पायर, हर कंपनी, उनका परफॉर्मेंस कैसे मूव करता है, वो ग्राफ कैसा दिखाई देता है, वो सब नॉलेज, वो सब रीड करना और उसका एनालिसिस करना भी आपको आना चाहिए। अब अगर तो आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग करते आए हो, तो ऑब्वियसली आपको इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया होगा, एंड आपको इंटरेस्ट भी होगा डिफरेंट ग्राफ्स को नोट करने में, डिफरेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट्स देखने में। लेकिन अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, आई वुड रिकमेंड यू टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेबसाइट कॉल्ड
स्क्रीनर। इस वेबसाइट पे जाके आप सिंपली किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देख सकते हो, किसी भी कंपनी का ग्राफ चेक कर सकते हो, किसी भी कंपनी के बारे में न्यूज अपडेट्स देख सकते हो। सेम वे अगर आपको इंडस्ट्रीज के लिए नॉलेज चाहिए, यू कैन फॉलो अ वेबसाइट कॉल्ड ट्रेंडलाइन। इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाएंगी ऑफ एवरी सिंगल कंपनी, एंड यू कैन ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एज वेल। अब ये दोनों वेबसाइट्स पे अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, यू विल गेट टू नो कि कैसे डिफरेंट रिपोर्टिंग्स होती हैं किसी भी इंडस्ट्री की, किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किसी भी पैरामीटर की, कौन सी रेशियोज हैं जो डिस्कस की जा रही हैं। हो सकता है इनिशियली आपको ज्यादा समझ में ना आ रहा हो, दैट इज ऑल्सो परफेक्टली फाइन। जस्ट थोड़ा टाइम स्पेंड करने से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, एंड एक बार वो हो जाए उसके बाद यू कैन ज्वाइन टू फोरम। वन इज दिस वैल्यू पिकर फोरम, जिसमें हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर एक इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट की डिस्कशन होती है, एंड द सेकंड इज अ टेलीग्राम ग्रुप कॉल्ड इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट। इन दोनों फोरम्स में अगर आप डेली बेसिस पे एक्टिव हो तो आपको धीरे धीरे समझ भी आना शुरू हो जाएगा कि इन रिपोर्ट्स को लोग कैसे स्टडी कर रहे हैं या क्या डिस्कशंस हो रही हैं। द फोर्थ स्किल इज दैट ऑफ वैल्यूएशन और कॉर्पोरेट फाइनेंस, अनदर इंपॉर्टेंट स्किल। एंड आई वुड से कि अगर आपको किसी भी कंपनी को वैल्यू करना आ जाता है, देयर इज नथिंग लाइक इट। अगर आप ये स्किल सीख जाते हो, यू वुड बी अ ग्रेट एसेट टू एनी फाइनेंस कंपनी। बाय फार एंड लार्ज मैंने जितने भी लोगों से पूछा है कि आप वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट कहां से सीख सकते हो, देयर इज वन एंड ओनली रिसोर्स जो हर पर्सन ने डेफिनेटली रिकमेंड किया है, विच इज प्रोफेसर दामोदरन की वीडियोस। ही हैज अपलोडेड द वीडियो लेक्चर्स बोथ इन द शॉर्ट फॉर्म एज वेल एज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। तो मैं आपको पहले उनका फुल फॉर्म लेक्चर्स दिखा देती हूँ। ये उनके कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं जो उन्होंने इन डिटेल कवर किए हुए हैं अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स। अगर यही आप वैल्यूएशन को या कॉर्पोरेट फाइनेंस को शॉर्टर टर्म्स में समझना चाहते हो, यानी कि इन्हीं लेक्चर्स का जो कंप्रेस्ड वर्जन है, तो देन यू कैन ऑल्सो चेक आउट दीज शॉर्ट वीडियोज। ट्रस्ट मी, ये इकलौता रिसोर्स पूरी वैल्यूएशन को समझने के लिए कंप्लीटली सफिशियंट है। यू डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दैट। ये मोर देन सफिशियंट होगा अगर आप वैल्यूएशन समझना चाहते हो। वैल्यूएशन की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको उस केस में भी हेल्प करेगी अगर आप आगे जाकर के MBA फाइनेंस करना चाहते हो या MBA के बाद फाइनेंस की फील्ड में एंटर करना चाहते हो, बिकॉज वैल्यूएशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर सिंगल फाइनेंस के इंटरव्यू में जरूर पूछा जाता है, खास तौर से अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा रहे हो। दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू विल डेफिनेटली बी आस्क्ड। सो अगर आपके पास अभी एक्स्ट्रा टाइम है, अगर आप एडवांस में तैयारी कर रहे हो फाइनेंस की फील्ड के लिए, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू स्पेंड सम टाइम ऑन दिस रिसोर्स। द फिफ्थ स्किल इज दैट ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत ही अंडररेटेड स्किल है, बट लेट मी टेल यू इसका बैक स्टोरी। मेरी रिसेंटली एक CA से बात हो रही थी जो IIM अहमदाबाद में मेरे साथ पढ़ रहा था, एंड ही मेंशन्ड कि फाइनेंस की फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। सॉफ्ट स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन, लाइक कॉन्फिडेंस, लाइक द अबिलिटी और द करेज टू प्रेजेंट योर आइडियाज, विच इज वाई बहुत सारे CAs जो फाइनेंस की फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, दे आर समवेयर लैगिंग बिहाइंड एज कम्पेयर टू द इंजीनियर्स जो IITs से आते हैं। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपके पास टाइम है, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क जरूर करो। अब इसके लिए मैं आपको क्या रिसोर्स रिकमेंड करूंगी, आप नो मैटर कितने कोर्सेज कर लो, नो मैटर कितनी बुक्स पढ़ लो, आप कितना भी रिसोर्स क्यों ना देख लो ऑन हाउ टू डेवलप कम्युनिकेशन, इट विल ओनली गेट डेवलप्ड जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं जब ये कैमरा फेस करती थी शुरू में, आई वॉज सो स्केयर्ड। मुझसे ज्यादा डरा हुआ पर्सन कोई नहीं था कि कैमरा कैसे फेस करना है, लेकिन आई डेवलप्ड दिस अबिलिटी ओवर टाइम विद प्रैक्टिस। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट इफ यू प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस, विच इज वॉट यू विल बी यूजिंग इन द कॉर्पोरेट्स एज वेल। जस्ट अपने पूरे बिजी दिन में से 10 मिनट निकालो और मिरर के सामने खड़े होके किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में 10 मिनट रिहर्सल करो। दैट मच विल गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग दिस एबिलिटी। तो ये वो 5 स्किल्स हैं जो फाइनेंस की फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मैं बाकी फील्ड्स के लिए भी बना पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस गाइज।